नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। लॉकडाउन के बाद बंद किए गए मंदिर एवं धार्मिक स्थलों को शासन के आदेश पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। मंदिर खोलने के बाद शासन की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना संरक्षण और सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए श्रद्धालुओं को मंदिर में आने दिया एवं भगवान के दर्शन कराए गए। पिछौर क्षेत्र में बालाजी मंदिर में सुबह मंदिर के पुजारी कल्लू चौबे ने बताया कि विधि विधान से पूजा अभिषेक कर मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। इस दौरान किसी भी श्रद्धालु को घंटा बजाने नहीं दिया गया। सभी को निर्धारित दूरी 2 मीटर से दर्शन करने दिए गए। साथ ही मंदिर में भीड़ न हो उससे लिए सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया। मंदिर में प्रवेश करने वाले सभी श्रद्धालुओं को हाथ धुलवा कर सैनिटाइजर कर अंदर प्रवेश करने दिया गया। श्रद्धालुओं पर मंदिर खोलने पर काफी प्रसन्नता दिखाई पड़ी है। पिछौर से जाकिर खान की रिपोर्ट। मंदिर के लिए सरकार ने जो मंदिर का पट खोलने का निर्णय लिया है, इससे हम लोगों को हार्दिक खुशी हो रही है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। चाहे वो शाम की नमाज हो या सुबह की पूजा हो, हम लोग भारतीय संस्कृति धर्म से ओतप्रोत हैं। हम लोग भगवान के चरणों में यही निवेदन कर रहे हैं कि भगवान इस कोरोना के संकट से कैसे भी हमारे देश को निजात दिलाए। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या व्यवस्थाएं रखी गई है? पंडित जी की ओर से विशेष आने वाले श्रद्धालुओं को निवेदन किया जा रहा है, कृपया एक एक दो दो करके आए और मास्क के बगैर ना। आज आप मंदिर में पूजा करने के लिए आज इस बारे में आपका क्या कहना है? लॉकडाउन के टाइम काफी टाइम बाद 2 महीने बाद हम मंदिर में आए हैं। काफी अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने अच्छे से पालन किया है लॉकडाउन का। सैनिटाइजर, मास्क वगैरह सब चीज़ का अच्छे से ध्यान रखा है और इसी चीज़ को लेके हम